नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल द बेस्ट गल्फ जॉब में। मैं आपका दोस्त गुरमीत चंदी फिर लेके आया हूँ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी। आज बात करेंगे मैटर से हटके, डिफरेंट बात है। मालदीव की बात करता हूँ सर। मालदीव मसालों का जो द्वीप है, एक छोटा सी कंट्री है। जैसे मैं आपको पहले बात की थी ना, मतलब मॉरिशस है, वैसे ही मालदीव है। तो मालदीव की बात करने से पहले आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिसे वीडियो एंड में अच्छा लगे दबा के कर दो शेयर, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हमेशा ही वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और आपके काम नहीं आए तो आपके किसी दोस्त के काम आ जाएगा ना। अच्छा वीडियो, आपको जानकारी अच्छी लगी, कोई आपका दोस्त है मालदीव कनाडा अमरीका जाना चाहता है, फटाक से उसको वीडियो तो शेयर कर दो भी अमरीका वाले यहाँ बैठे हैं। तो आज बात करता, दो ही डेजिग्नेशन है दोस्तों। एक तो एग्रीकल्चर लेबर चाहिए, मतलब फार्मी, जो फार्मी करते हैं ना खेती, वो वाले बंदे हैं, और दूसरा किचन हेल्पर चाहिए, सॉरी चिकन फार्म में काम करने वाले चाहिए, जो मतलब पोल्ट्री फार्म होते हैं ना वैसे वो काम है। तो जो बंदा इसमें जाना चाहिए, मोमडन लोग मेरे को ज़्यादा बोलते हैं, मतलब जो कसाई वगैरह बुच्चड़ खाने का काम करते हैं ना पोल्ट्री फार्म में, ऐसे बंदों के लिए ये 15 से, मतलब ज़्यादा नहीं है, 15 से 25 बंदे चाहिए, मेरे को ज़्यादा लंबी रिक्वायरमेंट नहीं है। एज बता देता हूँ, 31 से 38 ईयर होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आपको 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है, फूड फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। 20 डेज में आपका काम हो जाना है, 15 से 20 दिन में आपको वीज़ा मिल जाना है दोस्तों मालदीव का। और इसके बाद बता देता हूँ मैं आपको, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। एग्रीकल्चर का जो फार्मिंग करते हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, देसी लोग होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चला लेते हैं, वो बंदे चाहिए, ठीक है, सीधा साधा स्पार्ट काम है। और आपको जो चिकन का काम करते हैं ना, मतलब आपको वो लोग चिकन फार्मिंग बोल देते हैं, अपने यहाँ पोल्ट्री फार्म बोल देते हैं, तो वो काम है, उसमें हेल्पर है वो। आपको ये नहीं है भी आप यहाँ पे सूट बूट पहन के चले गए, अच्छे घरों के लड़के, वहाँ जाके आपको अंडे उठाने पड़े, मुर्गे उठाने पड़े, उनको ब्रीड देनी पड़े, फीड देनी पड़े, ऐसा फंडा नहीं है। आप जो आप अगर उस काबिल हो, किसान में जाना चाहते हो, इसमें ECR और ECNR पार्ट बोथ आर एक्सेप्टेड है। किसी ने अभी डॉक्टरेट की और मुझे आके बोल दे सर मैं मालदीव जाना चाहता हूँ, तो भाई मेरे पास तो ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, आलू बीजने पड़ेंगे वहाँ पे जाके, तो वही बंदे फ़ोन करें जो इसके लायक हों बंदे, ठीक है। तो बेफालतू कमेंटों में टाइम वेस्ट मत करें यार, मैं इग्नोर मारता हूँ, मैं नहीं देखता कमेंट। आप अच्छे कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा मस्त मस्त, पूछो आप मेरे को, इंडिया की हिस्ट्री पूछ लो, दुबई की पूछ लो, बताऊंगा। जो काम की पॉइंट की बात है, इधर उधर की बातें करते हो, मेरे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। और आप से चैनल ऑपरेट हो रहा है, सारी चीज़ें मस्त हो रही हैं, ज़बरदस्त हो रही हैं, आपको वही काम बताता हूँ। और ये काम आया कहाँ है, साईं वीज़ा फरीदकोट, जो जानता है जो पहचानता है वो पहुँचे, और जो पहले जाएगा जो, क्योंकि 15 से 25 बंदे चाहिए। अब एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए 15 बंदे हैं, पोल्ट्री फार्म के लिए 25 बंदे हैं, तो 40 बंदों का ही टोटल रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। जो जाना चाहते हैं साईं वीज़ा पे कांटेक्ट करें, और नीचे दिए गए नंबरों पे डीपली जो जानकारी चाहिए मेरे दोस्तों वो आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी तक, तब तक आप अपने दोस्त को इजाज़त दें। शुभरात्रि, शुभरात्रि, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।